हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 13x 13.6 का क्वेश्चन नंबर 6। बोलेगा फ्रेंड, द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल, वो बंद बेलनाकार टंकी है, बर्तन है, जिसकी हाइट 1 मीटर है और उसकी कैपेसिटी दे रखी है 15.4 लीटर, उसमें इतना पानी भरा जा सकता है। तो बताओ इसको बनाने के लिए कितनी मेटल शीट की ज़रूरत हमें होगी। ठीक है, तो बेसिकली फ्रेंड, जो मेरा क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है वो कुछ इस तरीके का है। ठीक है, जिसकी हाइट मेरे को मालूम है कितनी है, 1 मीटर। क्वेश्चन में हाइट दे रखी है कितनी, 1 मीटर, बट क्वेश्चन में इसकी रेडियस मिसिंग है, रेडियस मालूम नहीं है। लेकिन उसके लिए मेरे को क्या दे रखी है, इसकी कैपेसिटी दे रखी है 15.4 लीटर। ठीक है, इसकी हेल्प से मैं इसकी रेडियस निकालूंगा। रेडियस आने के बाद मेरे को बताना है कि इसमें कितनी मेटल शीट लगेगी। तो बेसिकली फ्रेंड, मेटल शीट जो लगेगी वो यहाँ लगेगी, इसे बोलते हैं कवर्ड सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला आता है 2πRH। और फिर ऊपर एक ढक्कन लगेगा, ठीक है, जिसका फॉर्मूला कितना होगा, πR², नीचे एक ढक्कन लगेगा जिसका फॉर्मूला कितना होगा, πR². तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो तुम मेरी टोटल शीट निकल कर आ जाएगी कि इसको बनाने में कितनी शीट लगेगी। ठीक है, ये मेरी बेसिकली हाइट होगी, ये मेरी रेडियस होगी। तो सबसे पहले रेडियस मिसिंग है तो रेडियस को निकालना पड़ेगा। मैं लिखता हूँ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल, ठीक है, बंद बेलनाकार बर्तन जिसकी हाइट 1 मीटर है, रेडियस मिसिंग है, लेकिन इसकी कैपेसिटी मालूम है, जिसको हिंदी में बोला जाता है धारिता, और इसका दूसरा मतलब होता है वॉल्यूम भी होता है। ठीक है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये 15.4 लीटर है। ठीक है, अब ये लीटर में, मेरा क्वेश्चन चल रहा है मीटर में, तो पूरी यूनिट को एक जैसा बनाए रखने के लिए इसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। हमें मालूम है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। ठीक है, और 1 लीटर में कितने होंगे, 1 लीटर में मल्टीप्लाई में 1000 है, किसमें आ जाएगा, डिवाइड में, 1/1000 m³। ठीक है, इस लॉजिक का यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि 1 लीटर में कितने होते हैं, 1/1000 m³। तो मैं इसमें क्या करूँगा, डिवाइड कर दूँगा 1000 का, ठीक है, ताकि आंसर किसमें आ जाए, मीटर क्यूब में आ जाए। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πR²H। ठीक है फ्रेंड, पाई की वैल्यू मालूम नहीं है तो 22/7, आर भी नहीं मालूम, एच मालूम है कितना है, 1। एक काम करते हैं फ्रेंड, इसका डेसिमल हटा लेते हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो नीचे कितनी आ जाएगी, 10। अब आर को तो यहीं पर रहने दो, 154, ये हो गया पूरे 10000 मल्टीप्लाई करने पे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 100 × 100, इसको मैंने पार्टीशन कर ले दिया, जो नीचे 7 था कहाँ जाएगा, ऊपर, ऊपर 22 था कहाँ जाएगा, नीचे, 22 × 154। ठीक है फ्रेंड, इसके ऊपर जो स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पे क्या जाएगा, अंडर रूट, ऊपर कितना है 7 × 7, नीचे कितना है 100 × 100, इन दोनों में से कितना भरा जाएगा, 7, इन दोनों में से कितना भरा जाएगा, 100 मीटर। ये मेरी कौन आ गई, रेडियस आ गई। अब मेरे को मेटल शीट बतानी है जो इसको बनाने में यूज़ होगी। ठीक है, रिक्वायर्ड मेटल शीट एरिया, आवश्यक धातु की चादर का क्षेत्रफल। तो बेसिकली फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया, धातु कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, इसे बोलते कवर सरफेस एरिया, यानी कि 2πRH। ठीक है, एक ढक्कन ऊपर लगेगा यानी πR², एक ढक्कन नीचे लगेगा यानी πR², टोटल कितने सर्कल हुए, दो, दो सर्कल का एरिया 2πR². ठीक है, तो दोनों में से जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकाल लो, 2πR कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया H, यहाँ बच गया R, 2, पाई की वैल्यू 22/7, R कितना है 7/100, H 1, R कितना है 7/100, 7 × 7 कट गया, 22 × 44/100। अब फ्रेंड देखो, 100 × 100 में प्लस 7 किया, 107/100। ठीक है, सॉरी 44 को मल्टीप्लाई करेंगे 107 से, ये आ जाएगा मेरा करीबन 4708, नीचे 100 हो जाएगा 10000,
जीरो फालतू लग गई, 10,000 हो गया, कितनी जीरो है, 4 जीरो, तो डेसिमल जाएगा 4 नंबर इधर, 0.4708 मीटर स्क्वायर हमें इतनी शीट की ज़रूरत होगी इस क्लोज सिलेंडर को बनाने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाएं, और फ्रेंड अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। ओके, बाय बाय, थैंक यू।